घर में जब आग लगी हो तो आप बाहर कुआं नहीं खोदते हैं, घर में जब आग लगी हो तो आप ये देखते हैं कि स्वयं क्या कर सकते हैं, आप खुद की मदद करते हैं और तमाम वो हर जगह से जहां पर आपको पानी मिले, जो भी मिले उससे आप बुझाने की कोशिश करते हैं। और यदि आग चारों तरफ लगी हो तो फिर आप अपना बचाव करते हैं, और घर में आग लगी हो तो अपने पूरे परिवार का बचाव करने की कोशिश करते हैं। ये एक नियम है और ये एक बड़ा स्वाभाविक सद्गुण है इंसानों का, और हम सब कर रहे हैं। पिछले 6 महीने में यानी 18 मार्च से लेकर 18 सितंबर तक 6 महीने गुजर गए हैं और कोरोना की मार हम सबको दिन पर दिन बद से बदतर हालात की तरफ लेके जा रही है। जी हाँ, एक लेटेस्ट रिपोर्ट जो कल मैंने पढ़ी थी उसमें ये बताया गया है कि 60 लाख जॉब्स यानी 60 लाख नौकरियां अब नहीं रही जो पहले थी, 60 लाख लोग अब बेरोजगार हैं। कभी हमने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कोई सिचुएशन आएगा, फोर्सफुल कंडीशन आएंगे। हमारी मानसिकता सबसे ज़्यादा कैद हो गई है इससे, और वो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देह की बात है। तकलीफ़ इस बात का नहीं है कि हमारे पास आज बहुत कुछ नहीं है, तकलीफ़ इस बात की है कि हमें कुछ आगे दिख भी नहीं रहा। और अगर हमें आगे कुछ दिख नहीं रहा है तो हमारे पास में सिर्फ अपने आप को बटोरना, अपने परिवार को बटोरना, और जो हम मिनिमम कर सकते हैं, न्यूनतम चीज़ों के सहारे हम जैसे चल सकते हैं, हमें शायद उस पर ध्यान देना चाहिए। मेरी आज की जो ट्रायंगल थ्योरी है वो सिर्फ और सिर्फ ये बात को बताती है कि हम अगर बुरे समय से गुजर रहे हैं और आज सिर्फ जो कुछ चल रहा है वो सरकारी है या तरकारी है, और अगर कुछ है उसके अलावा तीसरा तो वो है ज़रूरी। आप सबको मालूम है कि सरकारी यानी सरकारी जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी ढांचा है सरकारी, वो बड़े सुचारू रूप से चल रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे कि तरकारी जो बहुत अनिवार्य चीज़ है वो चल रही है, हर किराने का दुकान चल रहा है, दूध दही और जो भी मेडिसिन वगैरह हैं ये जो अनिवार्य हैं, जो असेंशल्स है वो चल रहे हैं, और जो ज़रूरी है वो चल रहा है। तो मैं आप सबका ध्यान आज मेरे ट्रायंगल थ्योरी से उधर लेके जाना चाहता हूँ, जो ज़रूरी है वो कीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे समय पर सिर्फ बात कर सकते हैं, एक दूसरे को संभावना दे सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, एक सूरजमुखी फूल की तरह, जब सूरज नहीं होता है और सूरज बादलों के पीछे छिप जाता है तो उन बादल के आड़ में जो सूरजमुखी फूल करते हैं वो शायद हम एक दूसरे के लिए कर सकते हैं, एक दूसरे के दुख बांट सकते हैं, एक दूसरे की तरफ देख सकते हैं मदद के लिए। और यदि हमने हमारे बुरे समय, इससे पहले किसी का बुरा समय आया हो और हमने अपने दोस्तों के बीच जाकर हमारे संबंध अच्छे बनाए हो, हमारे रिलेटिव्स फैमिली और दोस्तों के बीच अगर हमारे संबंध अच्छे हुए हो, तो शायद ये समय अगर बुरा भी चल रहा है तो उन लोगों के लिए नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो हम अपने दोस्तों की तरफ देख सकते हैं, लेकिन मैं अपनी ट्रायंगल थ्योरी द्वारा आपको ये बताना चाहता हूँ कि सरकारी तरकारी तो है यहाँ जो चल रही है, और जो चल सकती है वो ज़रूरी है। मैंने कई अपने इर्द गिर्द झांक कर देखा है कि मेरा प्रेस वाला जो है, अब उसके प्रेस में ज़्यादा भीड़ नहीं होती है, किसी को बाहर जाना नहीं होता है, तो उसकी प्रेस की दुकान नहीं चल रही है। तो ऐसे संदर्भ में वो सब्जी बेच रहा है, वो कभी लहसुन बेचता है, कभी गाजर लेके आता है, जो उससे बन पड़ता है, आलू जैसा उसको माल मिलता है वैसा वो बेचता है, 200 300 400 रुपए वो घर लेके जाता है, और ऐसे ही उसके घर की घर चल रहा है उसका इस तरीके से। मैंने एक और बंदे को देखा है जो कभी तो भी एक खोमचे वाला ठेला लगाया बैठता था और पानी पूरी बेचता था, उसे मैंने देखा है कि वो फड़का लगाकर आलू प्याज के ठेले के का सहारा लिया। बहुत सारे लोगों ने जो बहुत ज़रूरी है वो किया, जैसे कि आमतौर पे दूध बेचने वाले ज़्यादा नज़र आए पहले के मुकाबले, भाजियां ज़्यादा बेचने वाले नज़र आए। इसके अलावा सीजनल जो होता है, जैसे अभी महालक्ष्मी जी की मूर्ति का समय आया तो स्थापना के दिवस में बहुत सारी मूर्तियां देखने को मिली, गणेश जी की जब गणेश जी का समय आया था तब गणेश जी की बहुत सारी मूर्तियां देखने को मिली। पूजा पाठ हमारा देश इस पे काफ़ी निर्भर रहता है, तो बहुत सारे लोगों को देखा है मैंने जब वो सड़क पर आ रहे हैं और वो बेच रहे हैं। आज के दौर पे सैनिटाइज़र हो या फिर आप मास्क ले लीजिए या हैंड ग्लव्स ले लीजिए, ये बड़ा नज़र आया है। लोग अपनी गाड़ी से आते हैं, अपना माल लेके आते हैं और दिन सुबह से लेके शाम तक इंतज़ार करते हैं कि वो बेचे, और जो वो बेच के लेके जाते हैं वही उनका दिनचर्या होता है और वहीं उनके लिए एक बहुत बड़ा सहारा होता है। तो मानसिक तौर पे अगर आपको आप गुजर रहे हैं तो मैं ये कहूँगा कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो पैसे से अच्छे हैं लेकिन
उनके पास में आज रूटीन नहीं है और उस रूटीन को लाने के लिए वो कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं। मेरा एक दोस्त है जो गुजरात से यहाँ पर आया, वो प्रिंसिपल के पोस्ट पे था, अचानक से उसकी जॉब चली गई और उसकी जॉब जाने के बाद में वो यहाँ पर आकर बहुत सारे जॉब्स ढूंढता रहा और अस्थाई काम करते करते उसे समझ में आया कि वो जो अच्छा कर सकता है वो घर से शुरू कर सकता है, और वो था उसके वाइफ की बेकरी की स्किल्स। जी हाँ, वो बहुत अच्छी बेकर है, तो उन्होंने बहुत सारे जूम क्लासेस लिए और धीरे धीरे आज वो इस कगार पे है कि वो हर हफ्ते अपनी क्लासेस को लोगों तक पहुंचाते हैं और उसके ज़रिए वो अपना या जीविका गुजार रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काफ़ी लोग हैं जो आज घर से बाहर निकल रहे हैं तो कुछ करने के लिए ये सोच के वो लोग निकल रहे हैं और करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आज इंश्योरेंस सेक्टर डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हावी हो जाएगा और वो बहुत तरह तरह के कस्टमाइज प्लान लेके आएगा जिसमें कोरोना भी होगा, इसके अलावा बाकी जो कन्वेंशनल पॉलिसीज़ होती हैं वो तो होगी होगी। इसके अलावा मैं ये भी कहूँगा कि बहुत सारे नेटवर्किंग मार्केटिंग या फिर MLM बहुत सारे उजागर हुए हैं। देखिए, मैं सिर्फ साफ शब्दों में ये कह रहा हूँ कि वो जो आप कर सकते हैं, वो जो ज़रूरी है, वो समय को समझ कर आप कीजिएगा। मास्क लगा होता है तो हमें बिल्कुल शर्म नहीं आनी चाहिए, और शर्म किस बात से, हम तो घर से बाहर निकल रहे हैं और कमाने की बात कर रहे हैं, अपने घर को बचाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि घर में आग लगी है तो हमें अपने आप को और अपने लोगों को बचाना पड़ेगा, अपने परिवार को बचाना पड़ेगा। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ कि हम कुछ, जैसे अच्छा समय नहीं रहता है वैसे बुरा समय भी नहीं रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि ये समय जो बुरा गुजर रहा है सबके साथ, बहुत जल्दी ये भी गुजर जाएगा, और उम्मीद करता हूँ कि वाकई वो जल्दी से गुजरे। हे भगवान, बहुत हो गया कि हमने बहुत सारी मार झेल ली, आज कोई भी घर से बाहर नहीं है, कोई भी मानसिक तौर पे खुश नहीं है, लेकिन वो दिन काट रहे हैं, कट रही है, ऐसी बातें हो रही है, लेकिन हमें जहाँ है हम उसे संभालना है और उम्मीद रखना है कि इस अंधेरे के पार एक उजाला है, उस उजाले को देखने के लिए हम सबको जिंदा रहना है और लड़ना है। मैं जो आखिरी बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं, सब तक ये है कि कृपया एक दूसरे को लूटे ना, क्योंकि ये ऐसा, ये समय ज़रूर ख़राब है लेकिन ये वैसा सिचुएशन नहीं है जहां पर वॉरलाइक सिचुएशन हो, एक देश दूसरे देश पे अगर हमला कर दे और हम लोग घर से बाहर ही ना निकले, ये वैसा स्थिति नहीं है। ये स्थिति ऐसी है कि हम घर से बाहर निकल सकते हैं और कुछ कर सकते हैं। तो कृपया, एम्बुलेंस की बात करता हूं मैं, 1000 रुपये पर किलोमीटर चार्ज कर रहे हो, ये तो लूट है, और ऐसे इतने पैसे कमा कर भी आप अपना कुछ भला नहीं कर सकते। क्षणिक फ़ायदा आपके लिए दूर का नुकसान साबित होगा। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि गरीब जो बैठा है, जो सब्जी बेच रहा है, जो ज़रूरतमंद है, उसे देखिए आप। मैं ये नहीं कहूँगा कि जो जोमेटो से आते हैं वो हिंदुस्तानी, उनका भी घर चलना चाहिए, तो उनके पास काम है, उनका घर भी चलना चाहिए, तो उनसे कुछ मत लीजिए, ऐसा नहीं कहूँगा। लेकिन जो सड़क पर नज़र आता है और आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, आप खरीद सकते हैं, तो प्लीज़ खरीदिएगा। अल्टीमेटली आप करते क्या हैं, चाहे वो जोमेटो से खरीदो या फिर आप अमेज़न से खरीदो, कहीं से भी खरीदा हुआ माल आप घर पे ज़रूर धो के इस्तेमाल करते हैं, तो फिर वो सड़क से ली हुई चीज़ जो मेरे हमारे खुद के भाई बहन इनसे लिए हुआ, उनके काम आ सके, ऐसा कुछ अगर हम कर पाए तो शायद हम एक दूसरे की मदद करेंगे। याद रखिए एक बात कि इटली अगर उभरा है और स्पेन उभरा है कोरोना से, तो सिर्फ इसलिए कि वो थोड़े से अपने बारे में ज़्यादा जानकारी रखते थे, उन्होंने सेल्फ डिस्टेंसिंग खुद किया था, सोशल डिस्टेंसिंग सेल्फ लेवल पे किया था, और दूसरा वो देश एक बहुत बड़ा उदाहरण देते हैं कि वो दूसरों की भी फिक्र करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी खुशी दूसरे की खुशी से जुड़ी है। अंत में, सूरजमुखी बनिए, अपने दोस्तों की तरफ देखिए, और जितने भी तमाम मेरे भाई बहन हैं वो एक दूसरे का सहारा बनकर अगर हम एक साथ काम करेंगे और एकजुट होकर चंद पैसे कमाएं लेकिन सब मिल बांट कर खाएं, ऐसा कुछ हो जाए तो शायद बहुत अच्छा होगा। ज़िंदगी दो तरीके से देखी जाती है, अंधेरा अब है, उजाला उसकी उम्मीद रख सकते हैं, उसकी तरफ देखिए और आगे बढ़िए। धन्यवाद।